धनतेरस, कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी का अवतार हुआ था। सृष्टि के जीवों को रोग मुक्त करने के लिए भगवान धन्वंतरी आगे बढ़े। यक्षराज सुमेर ने कुबेर पर आक्रमण करके कुबेर की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। कुबेर को जंजीरों में जकड़ के एक खाई में डाल दिया था। दर्द से कुबेर कराह रहे थे। कुबेर की आवाज सुनकर भगवान धन्वंतरी उनके पास पहुंचे, कुबेर को बंधन मुक्त किया। भगवान धन्वंतरी ने माँ लक्ष्मी का आवाहन किया। माता माँ लक्ष्मी ने कुबेर को पुनः स्वर्ण कनक तथा रत्नों के भंडार दिए। यह सुमेर को पराजित करके राज वापस दिलवाया तथा कुबेर को वरदान दिए। देवों ने अंबर से पुष्प बरसाए। ऋषियों मुनियों ने मिलकर भगवान धन्वंतरी माँ लक्ष्मी तथा कुबेर की पूजा की। तब से धरती पर त्रयोदशी विधि धनतेरस के नाम से जानी गई। तीनों देवताओं ने ऋषियों को वरदान दिया। आज के दिन जो नए पात्र स्वर्ण आभूषण आदि खरीद के पूजन करेगा, उसको कभी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी।